गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज का ब्लॉग सीधा स्टार्ट कर रहे हैं शारदा नगर बैराज से, और यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितनी अच्छी सीन है। क्यों अभिजीत, है अच्छी सीन? हाँ है। यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है ना? हाँ। अच्छा, तो यहीं रहोगे तुम? नहीं। क्यों? यहाँ अच्छा लगता है परंतु घर नहीं है, है ना? घर में ही अच्छा लगता है। पापा क्यों अच्छा लगता है? अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम लो टहलना, लेकिन नहीं भूलता घर। कैसे है वो पूरा कविता तो मुझे याद नहीं है, याद है तुमको? हाँ है। अच्छा, तो तुमको तो इंग्लिश में कुछ आता होगा? हाँ। क्या आता है बोलो? अच्छा, ये इंग्लिश का पोयम है ना? तो ये खूबसूरत नज़ारा है, और यहाँ से तुम्हारे मौसा का घर तो नज़दीक है ना? हाँ। क्यों? हाँ। तो यहाँ से मौसा के घर पर चले जाना। हाँ। क्यों नहीं जाओगे? दूर है। दूर कहाँ है? यहाँ से बाइक स्टार्ट कर लेना या मौसा को फोन करना, मौसा जी हम शारदा नगर बैराज पे आ गए हैं, आइए हमको लेके जाइए। क्यों? फिर आएंगे, लेके जाएंगे तुमको, हैं? इधर देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये वाला देखो पेड़, ये वाला कितना अच्छा लग रहा है ना? लग रहा है अच्छा? तुम अच्छे लग रहे हो कि नहीं इन सीनरियों में? हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके बाद में अभी चलेंगे अभिजीत, इसके बाद में चलेंगे अभी बालाजी, शारदा नगर बालाजी, है ना? बालाजी यहीं पर है, मंदिर बहुत बेहतरीन है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है? और वहाँ पर जितनी दुष्ट आत्माएं होती हैं ना, वो सब दूर भाग जाती हैं, बहुत दूर भाग जाती हैं, है ना? हाँ। तो वहाँ पर हाँ, बालाजी का बहुत ही अच्छा मंदिर है, ठीक, भव्य मंदिर है, और वहाँ पर दर्शन करेंगे, उसके बाद में फिर आज घर चलेंगे, ठीक है? तो आज यहाँ पर आए हैं तो सौभाग्य से आज मंगलवार है, ठीक है? तो वहाँ पर दर्शन करते हैं, उसके बाद में चलते हैं, ठीक है? चले अभिजीत, चलो। ये देखो इधर भी सब गमले लगे हुए हैं, मस्त। और गाइस, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के जन्म शताब्दी के अवसर पर ये मूर्ति स्थापना की गई थी, जो शारदा नगर बैराज किसान बैराज के भी नाम से जाना जाता है। चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे, किसानों के हित की बात सोचते थे, और हम सभी किसान ही हैं, किसान के बेटे हैं, तो मुझे गर्व होता है चौधरी चरण सिंह पर, और उनको आज भी किसान लोग याद करते हैं। बहुत ही नेक आत्मा किसानों के लिए थी, जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अभी भी लोग बड़े आदर भाव से चौधरी चरण सिंह को याद करते हैं, उनके प्रति आस्था रखते हैं, भक्ति करते हैं। तो ये शारदा नगर बैराज की कुछ सीन है, और उधर भी काफ़ी फूल लगे हुए हैं, तो यहाँ का बहुत अद्भुत नज़ारा है, देखने वाला है, ठीक है? कभी आप लोग आइएगा तो देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। क्यों अभिजीत, है ना अच्छा लगता है? लग रहा है। हाँ ठीक है, चलते हैं अब।
कहाँ? बालाजी मंदिर। ठीक है? हाँ, चलो चलो। तो गाइस मंदिर आ चुके हैं, ये देखिए सामने मंदिर है, ये मंदिर। तो अभी प्रसाद ले लेते हैं, उसके बाद में फिर मंदिर प्रांगण में चलते हैं। अभी प्रसाद लेने के लिए रुके हुए हैं। बालाजी सरकार की जय हो। आओ, आप सिम कैसे ले हैं? जय हो। ये माँ दुर्गे माता का मंदिर है और ये बालाजी सरकार का मंदिर है। यहाँ पर काफ़ी लोग आस्था से आते हैं, काफ़ी लोग बैठते हैं। बालाजी सरकार का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और ये शारदा नगर बैराज में स्थित। अभिजीत देखो, ये महिला के ऊपर कोई सवार है और देखो कैसे लूट लूट के रो रही है ना? ऐसे ही दुष्ट आत्माएं इस मंदिर के अंदर जो भी होती हैं ऐसे ही रोती चिल्लाती बिलखती हैं, और उसके बाद भी बालाजी उसको छोड़ते नहीं हैं जब तक ऐसी दुष्ट आत्माओं का खात्मा नहीं कर देते हैं, समझे? दोस्तों यहाँ पर माता जी सिक्का चिपका रही हैं रुपयों का, और जो भी मनोकामना मांगी जाती है और मनोकामना मांगते समय अगर सिक्का चिपक जाता है तो ऐसा माना जाता है कि बालाजी सरकार उस सिक्के की मनोकामना मान लिए हैं और उसको पूर्ण कर देंगे, समझे? अब जी तो आ गए हैं अब भैरव बाबा जी के मंदिर, और यहाँ पर दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। भैरव बाबा का मंदिर है और ये देखिए कैसे दुष्ट आत्मा बिलख बिलख के रो रही है, और आज बालाजी सरकार इसको छोड़ने वाले नहीं हैं जब तक इसको इस महिला को पूर्ण स्वतंत्र नहीं कर देंगे इस दुष्ट आत्मा से। बोलो बालाजी सरकार की जय हो। अब मेला घूमना है, इसको घूमना है। हाँ। क्या लेना है बताओ? गदा बिक रहे हैं, गदा लेना है हनुमान जी का। हाँ। हनुमान जी का गदा लेके सर चलोगे घर? हाँ। अच्छा चलो देखते हैं क्या लेना है। ये वाला गदा लेना है। अभिजीत क्या ले लिया? हनुमान जी का गदा। दिखाओ। खिला रहे हो ऐसे दिखाओ। ये है ना, इसको पहनोगे? ठीक।